हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो अभी है जी सुबह सुबह का ही टाइम है और हम बनाएंगे आलू के पराठे। यहाँ पे मैंने रखा है आलू उबलने को और यहाँ पे मैंने रखी है चाय बनने को। और 6:30 हो रखे हैं, 6:30 बज गए हैं। हनी के पापा गए हैं दूध देने, मेरे हस्बैंड, और मैं जाती हूँ नीचे क्योंकि आलू में डालने के लिए हमारे को कुछ चाहिए होता है। तो देखते हैं क्या क्या लाती हूँ मैं। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। और आज मौसम बहुत ज़्यादा अजीब जैसा है, मतलब धुंध ही धुंध है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए धुंध, आज का जो मौसम है। और आज क्या तारीख है? आज तारीख है 7। और ये यहाँ पे मैंने शाम को भूल गई थी, राख फेंकी थी इसमें। ये जो मैंने लहसुन लगाया इन 4 क्यारों में, इनमें सिर्फ लहसुन ही है। और हम थोड़ा सा अदरक लेंगे आलू में डालने के लिए। 2-4 ही है वैसे भी अदरक के बूटे। तो यहाँ पे मैंने कद्दू बनाया 2-4 बार, तो कद्दू में बिना अदरक के नहीं बनाती, तो उसके लिए बहुत काम आया। इसमें देखो 2-4 ही बूटे हैं अदरक के। तो इस तरह का होता है अदरक। और आज पड़ी है बहुत ज्यादा तेल, मतलब ये देखो आप नजदीक से देख सकते हैं, ये देखो। तो घास तो अभी आएगा नहीं, तो फिर ये रोटी तो वैसे भी हो जाती है, सुबह सुबह ही करते हैं हम। और ये यहाँ पे हमारी अरवी है जो कि बस अब थोड़े दिनों में हो जाएगी। और इस साइड हो गई हमारी मिर्च, तो थोड़ी सी मिर्च भी डालेंगे हरी। और थोड़े से मूली के पत्ते, देखते हैं। वैसे अब मूली खत्म हो गई, अब नहीं है मूली। अब मूली ये तो कब की चली हुई है, कई दिन हो गए इसको। यहाँ पे एक बूटा मूली का, बस यही है अब। बच के सुख अपने घर से जाएगा कहाँ, ये देखो। तो इसको मैं धो के डाल दूंगी मैं। और मिर्चें भी हो गई है, अब इनको मैं, मुझे लगता है काटना ही पड़ेगा यहाँ पे भी। कुछ लगा देंगे देखो, मक्की अभी भी है कुछ। इस साइड वाली हमने काट दी है और इसको मैंने रहने दिया था। मैंने कहा चलो पकने देते हैं इसको कुछ दिन और। तो ये इसमें अदरक थोड़ा थोड़ा, हाँ इस वाले अदरक को निकालते हैं क्योंकि इस, ये सूखने भी लग गया। और यहाँ पे हम ना वो लगाएंगे, कितना बड़ा बूट है। ये देख सकते हैं आप अदरक। तो ये जो अदरक है ये इससे भी बड़ा होना था, बस थोड़ा सा ही था हमारे पास, 1 किलो लगाया था मैंने। देखो कितने बड़े बड़े बूटे हो रखे हैं। और आधा ये, आधा इसमें से मैं पहले ले जा चुकी हूँ यहाँ से। तो ये देखो, तो सब कुछ होता है। हम बोलते हैं कि ये चीज नहीं होती, वो नहीं होती। हाँ कुछ चीजें होती जो ठंड में नहीं होती, लेकिन अगर हम अच्छी तरह से केयर करते हैं किसी चीज की तो हो जाती है। ये देखो उधर से आ रहे हैं हनी के पापा दूध देके। ये कहते थे गाड़ी वाले को दूध देने। हाँ आएगा, दर्द लगी रहा पढ़ने में। तो यहाँ पे ये देखो मैंने मेथी लगाई है,
मैंने वीडियो बनाया है इसका भी, ऊपर ही रख दिया इन्होंने तो। हाँ, और यहाँ पे लगा है हमारा लहसुन। मौसम है खराब और घास को पता नहीं कब जाया जाएगा। और आठ और नौ की बारिश बताइए। तो चलो चलते हैं अभी ऊपर, इनको अदरक दिखा रही हूँ। मैंने कहा अगली बार हम ना अदरक लगाएंगे, ज्यादा अदरक लगाएंगे। भारी में तो इतनी लग, भारी में कहाँ लगनी है, जगह भी ऐसी है थोड़ी बहुत ही। पर भारी मात्रा में भी सब छोटी छोटी है। पार आते गोईटू ले आने, पार जाना उपले हैं पार पुराने गोयनी में हमारे, तो मच्छरों काटते हैं, बहुत ज्यादा मच्छर है यहाँ पे। ये हमारा अपने घर का अदरक, इसको बोलते अदरक, भाई हमारे यहाँ बोलते इसको अड्डा अदरक। अदरक का छोटा भाई होता अड्डा, ये अड्डा है अदरक का भाई अड्डा। तो ये देखो, ये है मिर्च और ये डालेंगे हम इसमें अड्डा। इन तीनों चीजों को हम कूटेंगे इसमें। जाऊंगे मेरे पिताजी, आप भी मैं रोवांगी तो तेनों भी रोवांगी। तो ये देखिए, अभी मैंने दो परांठे बना दिए, शानू को लेट हो रही थी, अब मैं वीडियो बनाऊंगी परांठे बनाते हुए की। तो ये मैं इन पत्तों को ना बारीक बारीक करके कट लूंगी, ठीक है। तो मैंने फटाफट से पहले इसी में दो तीन आलू मैश किए और फटाफट से बना रही है उसके लिए। तो अब मैं बाकी के बनाऊंगी, ज्यादा नहीं बनाते, बस एक एक परांठा बनाऊंगी मैं सबके लिए। ये देखो, और अब मैं इसमें ये आलू डाल दूंगी, हमने बाद में छिले थे, ये घर के आलू हैं। देखो बिल्कुल बारीक बारीक आलू है ना, ये देखो बस इतने का बनाएंगे हम। और इसके बाद हो गया ये जो मैंने पीसा था, अदरक लहसुन और हरी मिर्च। ये देखो, ये देखो, और अभी डालेंगे हम इसमें नमक थोड़ा सा, थोड़ा सा ये मैंने गरम मसाला, और थोड़ी सी हल्दी, ज्यादा नहीं डालनी हल्दी, और मैशर से भी कर सकते हैं मैश इनको। पर मैं ये देखो इससे ही करने वाली, जो कुंडी का डंडा है ना उससे ही करूंगी मैं, और जो ज्यादा नहीं बनाएंगे हम, तीन चार ही बनाएंगे, क्योंकि ये पचते भी ऐसे ही है परांठे परूंठे हमारे का। आज वाइन भी डाल सकते हैं इसमें, है अभी मैं डाल ही देती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने साबुत जीरा डाल दिया, और ये है हमारी अजवाइन, ये देखो। तो मैंने अजवाइन भी डाल दी थोड़ी, और हाँ थोड़ी सी मैं ना ऐसे डाल दूंगी साबुत में, तो थोड़ी सी डाल दी, ज्यादा नहीं डालनी पड़े। और अब हम इसको बहुत अच्छा जो इसका है पेस्ट बना है। तो ये देखिए, ये हमारा पेस्ट बहुत अच्छा बना है, ठीक है। तो चलिए अभी इनको बनाते हैं, बस पेस्ट बन गया हमारा अच्छे से, तो समझो पराठा बन गया। तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बनाया अभी एक शानू के लिए, और
हमने इस तरह का पेड़ लेना है, सभी जानते हैं बनाना, पर पता है सबका तरीका अपना अपना होता है, अलग अलग तरीका होता है सबका। तो आटा मैंने काफी देर पहले लगा दिया था। सूखे आटे में हमने इसको ये करना है, बड़े बड़े परांठे एक एक से रच जाता है, मतलब पेट भर जाता है। मैं अपनी भाषा का भी बीच बीच में इस्तेमाल करती रहती हूँ। ठीक है, और ये है हमारा पेस्ट। अब इसको इस तरह से करना है फोल्ड, अंगूठे से इसको दबाते भी रहना जो पेस्ट हमारा बाहर ना निकले। मैंने बहुत बार बनाया है, मतलब मैंने इतने नजदीक से कभी नहीं दिखाया आप लोगों को। ये देखो, तवा हमारा काफी बड़ा है, ये देखो। तो ये देखो, ये बन गया हमारा आलू का परांठा, बहुत बड़ा सारा परांठा। अभी हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे, फिर लगाएंगे इसमें घी। तो ये परांठा शानू के लिए थे, पहले मैंने बनाए हुए, एक शानू खा गया, एक बच गया। तो ये देखिए, अभी हम इसको पलट देंगे इस तरह से, और अब लगाएंगे हम इसमें घी। अभी पर ना तवा हमारा ठंडा था थोड़ी देर पहले, इस तरह से। ये देखो, ठीक है, अभी हम इसको एकदम से लगा लेंगे। अभी है तो कच्चा ही साइड ना, पर फिर पकता रहेगा आराम से। अभी इसको पकने देते हैं। तो ये देखिए, अभी हमारा परांठा अच्छी तरह से पक रहा है। ये देखो, तो ये देखिए हमारा परांठा हो चुका है, पक चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसको उठा देंगे, ये देखो, और ये दोनों साइड से बहुत बढ़िया पका है। हम डालेंगे दूसरा। तो ये देखिए जी, ये बन गए हमारे परांठे। एक ये बिना तेल का है, इसमें हमने घी तेल कुछ नहीं लगाया है। दो, तीन, और ये चार। एक अभी तवे के ऊपर है, चार, और ये पांच। तो चलो एक हम ले लेते हैं, और हनिया भी नहा रहा है, और ये बन गई हमारी चाय। तो आप लोग भी आ जाइए। तो ये देखिए जी, ये बन गए हमारे परांठे, और मैं खा रही हूँ, और सभी खा रहे हैं हम लोग। ये देखो, आप लोग भी आ जाइए सुबह सुबह। अभी फिर हम आलू की सब्जी बनाएंगे, हाँ फिर हम आलू की सब्जी बनाएंगे बाद में भी, और क्या बोलते उसको, चाय के साथ खा रही हूँ। सुबह सुबह कोई दही नहीं, कोई अचार नहीं, तो मैं बीमार भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ।
नींद लगती है मुझसे, मुझे नहीं से पर जबरदस्त नींद लगती है, पता है आप लोगों को बहुत नींद लगती है। तो अभी इनका चला हुआ है, ये बात कर रहे हैं आपस में, यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, जय माता दी, राम राम, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है।